करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र तिरुपति बालाजी मंदिर, वहां की प्रसादम को लेकर जो खबर सामने आई वो भक्तों की भावनाओं को आहत करने वाली है। लोगों की आस्था जिस मंदिर में है उसके प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी को लेकर जो रिपोर्ट आंध्र प्रदेश की सरकार की तरफ से दी गई उसने तिरुपति से लेकर एमपी तक हलचल मचा दी है, क्योंकि 310 सालों से जिस तिरुपति बालाजी के प्रसाद की ख्याति दुनिया भर में बनी, इस एक रिपोर्ट ने उस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जीआई टैग वाले तिरुपति मंदिर के प्रसाद पर अब आम जनता सब सवाल पूछ रहे हैं। लड्डू प्रसादम में चर्बी, बढ़ी सियासी गर्मी। This last 5 years in the most important ingredient used in the preparation of prasadams. In the sentiments of Hindus, so it has been a clear violation. Yes, the 1 lakh laddus which have gone to the Ram temple also. Sanatan ka apman, Kendra ne liya sangyan. So, jaise hi ye khabar mujhe mili, maine Chandrababu Naidu ji se baat ki, unse maine detail uski li hai. आस्था पर चोट, किसकी नीयत में खोट। सनातन के साथ, आस्थाओं के साथ, धार्मिक व्यवस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, ये एक अक्षम्य अपराध है, उन्हें कठोरतम दंड मिलना चाहिए। भगवान का दरबार, पाप में कितने किरदार। गवर्नमेंट से मैं यही डिमांड कर रहा है, एक पूरा सीबीआई इंक्वायरी कर से जो दोषी है उनका जरूर सजा देना है। हमारी भावना के विरुद्ध हमारे देश में रह के कोई काम नहीं कर सकता। बहुमत जो कहेगा, इस देश के अल्पमत को उसको स्वीकार करना पड़ेगा। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र भारत के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर जो खबरें सामने आई है वो आहत करने वाली है। महाप्रसाद में मिलावट की इस खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है। आखिर कौन है जो आस्था से खिलवाड़ कर रहा है, कौन है जो माहौल बिगाड़ रहा है, ये साजिश है या फिर सिस्टम में खोट, इसी पर करेंगे महाडिबेट। तो भक्त लगातार आरोप लगाते रहे कि ऐसा कैसे हुआ और इसके पीछे कितने किरदार हैं, आस्था से कौन खिलवाड़ कर रहा है और ये साजिश है या फिर सिस्टम की खोट, इसी पर करेंगे आज महाडिबेट। लेकिन पहले वो सवाल देख लेते हैं जिन सवालों के ऊपर फोकस करेगी आज की ये महाडिबेट। पहला सवाल रहेगा कि आस्था से खिलवाड़ किसने किया, कौन है गुनहगार, कौन है दोषी जो भक्तों की आस्था से इस तरह से खिलवाड़ करता रहा। जांच की आज कहां तक पहुंचेगी, क्योंकि ये जानना जरूरी है। यही से प्रसाद राम मंदिर के लिए भी भेजा गया, यहां देश ही नहीं बल्कि विदेश से श्रद्धालु आते हैं, उस प्रसाद को ग्रहण करना अपनी खुशनसीबी समझते हैं। और अब जांच होगी तो कहां कहां तक इसकी आंच पहुंचेगी ये भी देखना होगा। प्रसाद में ये महापाप जिसने किया है वो कितने किरदार हैं, सभी किरदारों का बेनकाब होना बहुत जरूरी है और इसी पर है ये आज की महाडिबेट। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं सतीश एलिया जी, बहुत स्वागत है सर आपका। महामंडलेश्वर हैं श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के स्वामी शैलेश आनंद गिरी जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है महामंडलेश्वर जी। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है दुर्गेश केसवानी जी, समाज सेवी हैं बसंत टापा जी और हमारे साथ कांग्रेस के नेता जयप्रकाश जी भी जुड़ रहे हैं, आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मैं आपसे लूंगी महामंडलेश्वर जी, क्योंकि यहां बात हो रही है आस्था के साथ किए गए खिलवाड़ की। जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट बताती है कि फॉरेन फैट मिला है उस घी में जिस घी से प्रसाद का इस्तेमाल हो रहा था। सरकार आरोप लगा रही है लेकिन पिछली सरकार यानी कि जगन बाबू नायडू के तमाम जो सिपा सलाहार है वो इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन खिलवाड़ हुआ है तो जांच अब होगी, क्या सच सामने आ पाएगा? देखिए ये स्पष्ट है, खिलवाड़ तो निरंतर हो ही रहा है। जिस समय से सत्ताओं के अधीन मंदिरों को किया गया, उनके नियंत्रण में मंदिरों को किया गया, उसी समय से खिलवाड़ प्रारंभ हो गया। वहां पर ऐसे अधिकारी होते हैं, ऐसे कर्मचारी होते हैं
जिनका धर्म के अंदर आस्था नहीं होती, उनकी प्रक्रिया क्रियाओं के अंदर कोई ज्ञान नहीं होता है, वहां पर ऐसे प्रशासक आ जाते हैं जिन प्रशासकों को सनातन हिंदू धर्म के सामान्य नियम भी ज्ञात नहीं होते। तो इसी स्थिति में खिलवाड़ तो होना ही है, और यहाँ पर जो खिलवाड़ हुई है वो व्यवस्था में तो खोट है ही, पर व्यवस्था की खोट का लाभ उठाते हुए कहीं ना कहीं बेहद व्यापक षड्यंत्र भी है, जो कि एक हिडन एजेंडा के रूप में पता नहीं कितने वर्षों से हमारे देश के अंदर कार्य कर। जी जी ठीक है, बसंत टापा जी, यहाँ पे महामंडलेश्वर जी और दूसरा संत समाज भी इस बात को उठाता रहा है कि जब तक मंदिरों को संत समाज के अधीन पूरी तरह से नहीं किया जाएगा तब तक इस तरह के जो तमाम चीजें हैं निकलकर सामने आती रहेंगी। ये जो वर्तमान में जो घटना सामने आई है ये निश्चित रूप से हमारे सारे हिंदू समाज के लिए एक दुखद जानकारी है। हमारा जो भी मत है कि हमारे जो संतों के द्वारा जो अपनी बात रखी गई है कि जब तक ये मंदिरों पर स्थानीय जो राजनीतिक वर्ग की जो कमेटियां बनाई जा रही हैं ये ही इन मंदिरों में किसी प्रकार का गड़बड़ कार्य आरंभ कराती है, जैसा कि अभी तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद को लेकर जो तथ्य सामने आए हैं वो निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है और हम सब हिंदू समाज को घृणित करने जैसी बात सामने आई है। जब तक इन मंदिरों में हमारे जो सनातन के आचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, इन सबके माध्यम से अगर इनका संचालन होगा तो निश्चित रूप से इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक है, और हम सब चाहते हैं इसकी एक उच्च स्तरीय जांच हो। हर भक्त चाहता है, हर नागरिक चाहता है कि इस तरह से कम से कम मंदिरों के प्रसाद में तो मिलावट ना हो। आम जनता की जो सड़क बनती है उसमें मिलावट होती है, जो स्कूल बनते हैं, जो अस्पताल बनते हैं, वहां की जो कंस्ट्रक्शन सामग्री होती है उसमें मिलावट होती है, लेकिन मंदिरों को तो बख्श दिया जाए, ये तो हर कोई कहता है। सतीश एलिया जी, देखिए ये बहुत ही गंभीर विषय है। इससे दो चीजें बहुत साफ होती हैं, जैसा कि महामंडलेश्वर जी ने कहा कि मंदिरों का जो प्रशासन है, मंदिरों का प्रशासन बड़े बड़े जो मंदिर है न केवल बाकी राज्यों में बल्कि मध्य प्रदेश में भी, ये सरकार ने नियंत्रण अपना लिया हुआ है और उन पर ट्रस्ट बनाया हुआ है और उन पर अधिकारी उस पर नियुक्त होते हैं, कर्मचारी नियुक्त होते हैं, तो अधिकारी पदेन उनके वो ट्रस्टी होते हैं, पदेन उनके अध्यक्ष होते हैं, उसमें वो सनातन धर्म की या किसी मठ विशेष की या मंदिर विशेष की जो पूजा पद्धति है, जो प्रक्रियाएं हैं, उसका ज्ञान उनको हो आवश्यक नहीं है, उनकी नियुक्ति के लिए वो आवश्यक नहीं है, अर्हता नहीं है उनकी। जिस विषय की अर्हता उनके पास नहीं होती वो उसमें उसकी नियुक्तियां होती है। जहां तक तिरुपति की बात है तो तिरुपति के जो जगनमोहन रेड्डी थे या वाईएसआर रेड्डी थे वो खुद क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं, और बीच में ऐसा भी हुआ था तिरुपति में कि क्रिश्चियन को ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया गया था। क्या किसी मस्जिद का अध्यक्ष महामंडलेश्वर जी को बना दिया जाएगा या किसी चर्च का अध्यक्ष इनको महामंडलेश्वर जी को बना दिया जाएगा? नहीं बना दिया जाएगा। लेकिन हिंदुओं के साथ ऐसा होता रहा है। मेरा अपना मानना यह है कि भारत में महमूद गजनबी ने आक्रमण किया, मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया, क्योंकि मंदिरों के पास संपत्ति होती थी। और आज की जो सरकारें हैं स्वतंत्र भारत की भी, वो सरकारें भी जिन मंदिरों में ज्यादा आय होती है वहां वो एक तरह से कब्जा करती है, ट्रस्ट बना देती है और उसकी सारी आय सरकार की आय हो जाती है। जी, जैसे बकबोर्ड का मामला इस समय उठा हुआ है, वैसे ही मंदिरों की जो संपत्ति है उस पर सरकार का कब्जा क्यों होना चाहिए? जब चर्च की जमीन पर नहीं है, चर्च की संपत्ति पर नहीं है, मस्जिद की संपत्ति नहीं है, और यहां तक कि बकबोर्ड भी बना हुआ है, तो मंदिरों में की संपत्ति पर कैसे? और ये जो तिरुपति का मामला है ये शुद्ध रूप से इसी उसकी जड़ यही है, क्योंकि वहां क्रिश्चियन कर्मचारी भी हो सकते हैं और अन्य समुदाय के कर्मचारी। हम सब जानते हैं कि कितना चढ़ावा तिरुपति बालाजी के मंदिर में आता है, उस चढ़ावे की अगर फेरिस्त की बात की जाए, मैंने भी कल ही प्रसाद ग्रहण किया है, कल ही मैंने प्रसाद ग्रहण किया तिरुपति का। तिरुपति को यदि जाता है वहां से प्रसाद लेकर आता है तो एक लड्डू हम 100 लोगों में बांटते हैं,
और जिनकी आस्था है, जिनकी जीवन पद्धति, आज मुझे लगे ऐसा रहा है कि ये जो स्वतंत्रता आई है 1947 से अभी तक, उस स्वतंत्रता में हमारी धार्मिक स्वतंत्रता ही खो गई है। हमारी पूजा पद्धति पर भी उस तरह की चीजें बन गई हैं। तो निश्चित रूप से जब बकबोर्ड का मामला उठा हुआ है, इसी समय मंदिरों के प्रबंधन की भी बात उठनी चाहिए कि मंदिरों की संपत्ति आकर सरकार क्यों उन पर अधिकारी बन सकती है, सरकार क्यों उनको ले सकती है, आओगे पर भी विचार होना चाहिए। और केवल निंदा से काम नहीं चलेगा, सिर्फ निंदा से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल निंदा से काम नहीं चलेगा, सच सामने आना चाहिए। जयप्रकाश जी नमस्कार जी। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इस देश के अंदर चुनाव चल रहे हैं तो ऐसे जो मुद्दे आते हैं, आपने देखा होगा ये हमेशा वहां से ध्यान भटकाने के बाद इस तरीके से किया जाता है। आपको पता होगा अभी राहुल गांधी जी के ऊपर कितने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं कि इंदिरा जी के जो हुआ है, राजीव जी के साथ जो हुआ है, और अब राहुल जी तुम्हारे साथ ऐसा होगा। आप समझिए कहीं ना कहीं इस देश को भटकाने की राजनीति ये की जा रही है, पहली बात। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, एनडीए सरकार में अभी टीडीपी की सरकार है, ये सबको पता है, गठबंधन की सरकार है। गठबंधन की सरकार बनते ही अगर इस तरीके से काम हो रहे हैं, अभी तो देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मगर अगर इस तरीके की दिक्कत है तो उसका जवाबदेही किसकी है, पहली बात। दूसरी बात, साढ़े तीन लाख करोड़ लड्डू बनते हैं डेली, 3.5 लाख करोड़, और 500 करोड़ से ज्यादा चंदा वहां से आता है, मतलब वहां से पैसे इकट्ठा होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं ऐसा क्यों हो रहा है इस तरीके की, और इस बार भी जांच कंपनी किस कौन सी है, कहां की है, गुजरात की है। हर बार इसी तरीके से देश को देखने को मिलता है। ये हिंदुओं, ये आपने देखा होगा अभी नवादा में 80 घर दलितों को जला दिए गए, वहां से भी ध्यान भटका दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं इस तरीके की देश में राजनीति अगर हो रही है, और वो आदमी के मतलब तीसरी बार की सरकार में आज भी अगर हिंदुओं के साथ ये घात ऐसी चोट हो रही है, तो उसके लिए देश का प्रधानमंत्री और वहां की सरकार जिम्मेदार है, मैं यही कहना चाहता हूं। दुर्गेश जी वो तो कह रहे हैं कि अगर हिंदू हितैषी बनती है सरकार तो फिर ऐसा कैसे हो गया और क्यों हो गया, और जांच में साफ होना चाहिए, जिम्मेदारी भी सरकार की ही है। देखिए अपर्णा जी, सबसे पहले तो ये राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, ये 3.5 लाख करोड़ लड्डू रोज बनने का जो ये आंकड़ा लेके आए, ना जाने कहां से लेके आए होंगे ये 3.5 लाख करोड़, मतलब आप समझिए कि 130 करोड़ लोगों के देश में अगर 3.5 लाख करोड़ रोज लड्डू बट रहे हैं तो कितने कितने लड्डू होने चाहिए, तो ये तो इनका भगवान मालिक है। और ये इसी तरह देश के नागरिक हो सकते हैं लड्डू प्रेमी भी, प्रसाद में भी हम चाहते हैं ना कि एक्स्ट्रा मिल जाए हमें थोड़ा सा। अगर आप और सीधे मुद्दे पे आता हूँ मैं, ये तो रही इनकी बात, इनकी मुंह की जमा करती है राहुल गांधी की पार्टी के लोग हैं। निश्चित रूप से जो ये पाप महापाप किया गया है वो जगन रेड्डी की सरकार में, जो 50 सालों से जो वहां पे एक टेंडर जो घी का कंपनी जो देती थी उसको चेंज करके 5 गलत कंपनियों को देने का काम किया गया। आज निश्चित रूप से, क्योंकि हम भी भक्त हैं और विश्व का सबसे वैभवशाली अगर मंदिर है तो वो तिरुपति बालाजी का मंदिर है। उस मंदिर से प्रत्येक जन की आस्था है, 130 करोड़ लोगों की आस्था है, और उस आस्थाओं को अगर खंडित करने का महापाप किया गया है वो जगन रेड्डी के द्वारा किया गया है। क्यों ऐसे ऐसा क्या पड़ गया, जो वैभवशाली मंदिर है, जिस मंदिर में करोड़ों की श्रृंखला में श्रद्धालु आते हैं, उसको उसकी उसमें प्रसाद में अगर इस तरह का, क्योंकि प्रसाद तो एक ऐसी चीज होती है अपर्णा जी, जिसको प्रभु के चरणों से लेकर एक आम जन तक जाता है, और सतीश अहलिया जी ने स्पष्ट रूप से किया कि वो थोड़ा थोड़ा करके सबको पुण्य लाभ मिले, हम 100 लोगों में छोटा छोटा करके बांटने का काम करते हैं। आज उन्होंने निश्चित रूप से हम लोगों को खंडित करने का काम उस सरकार ने वहां पे किया है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है, और केंद्र सरकार ने इस चीज को निश्चित रूप से संज्ञान में लिया है। आदरणीय नड्डा जी ने बात की है चंद्रबाबू नायडू से, और निश्चित रूप से जो ये महापाप। लेकिन यहाँ एक और सवाल था दुर्गेश केसवानी जी, सरकारों से, महामंडलेश्वर जी का भी था, सतीश अहलिया जी का भी था, कि आखिरकार क्यों मंदिरों की संपत्ति पर, चाहे किसी की भी सरकार हो, उसकी नजर रहती है।
देखिए निश्चित रूप से कई बार इन तरह के सवाल आते हैं और कई बार इन सब चीजों को हम लोग बात करते हैं, पर आज का विषय वो उन उन ट्रस्ट को लेकर नहीं है, उन चीजों को लेकर नहीं है। वो तो आज का सवाल यह है कि यह महापाप करने का जो काम उस सरकार ने किया है उसको कठोरतम से कठोरतम दंड मिलना चाहिए, क्योंकि आज हम किसी चीज को ग्रहण करते हैं तो हम उसमें ग्रीन डॉट देखने का काम करते हैं। बसंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बसंत जी करते जी, बसंत जी बोलिए। कहीं ना कहीं ये हम सब हम लोगों को इस चीज को करने का काम किया गया। महापाप के खिलाफ हम हर कोई आवाज उठा रहा है और इसीलिए आज हमने अपनी बहस के लिए इस विषय को चुना है। तिरुपति का मामला है, लेकिन ये मामला सिर्फ तिरुपति का नहीं है, ये हम सबकी आस्था का विषय भी है। जी बसंत जी, मैं अपनी एक बात को रखना चाहता हूं कि जो सरकारें मंदिरों की जो संपत्तियां हैं इनके अंतर्गत जो निर्धारण व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसकी मॉनिटरिंग कलेक्टर के द्वारा भी ठीक से नहीं की जा रही, और वर्तमान में ये देखने आ रहा है कि उन कमेटियों में भी राजनीतिक दल के लोगों की ज्यादा भरमार हो रही है जिनकी नई ट्रस्ट। बड़ा विषय तो यही है ना कि मंदिरों के प्रबंधन के लिए भी जो कमेटियां बनाई जाती है उसमें भी अपने लोगों को एडजस्ट करने की जो पॉलिसी है ना वो बहुत नुकसान पहुंचाती है हिंदू धर्म के लोग, हिंदू धर्म की मान्यताओं को और हम सब भक्तों की भावनाओं को। मां मंडलेश्वर जी, ठीक है बसंत जी, बहुत कम समय है तो कम समय ही दे पाऊंगी सभी को मैं, ठीक है सर। मां मंडलेश्वर जी, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं बसंत जी। क्या हुआ कि अभी पिछले कई सालों से मैं सनातन बोर्ड की मांग कर रहा था, किंतु अभी पिछले कुछ दिनों से मैं निगम मंडल बोर्ड से ऊपर की बात कर रहा हूँ कि अब हमें सनातन हिंदू आयोग की आवश्यकता है इस राष्ट्र के अंदर। एक हाथ में हमारे पास में नियमन होना चाहिए, नियम होना चाहिए, दूसरे हाथ में दंड होना चाहिए। देखिए राजनेताओं के ऊपर से हमारा मंदिरों की मठों की व्यवस्था पे से भरोसा उठ गया है। इन लोगों के द्वारा जिस प्रकार का राजस्व का उपयोग या जो भी सदुपयोग दुरुपयोग जो भी करते हैं इनकी इच्छा से करते वो भी उचित नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में यह होना चाहिए कि सनातन आयोग सारे मठ मंदिरों को अधिग्रहित करें, उसके अंदर शासन का एक प्रतिनिधि रहे जो कि कानून व्यवस्था की देखभाल के लिए रहे, किंतु वहां के जो आंतरिक क्रियाकलाप है उनके अंदर निर्णय लेने की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। यह धर्म हमारा है, हम इसके ज्ञाता हैं, हम इसके साधक हैं, इसके अंदर हमें हमारे हिसाब से बात करने दीजिए। देखिए ये स्पष्ट है कि कलेक्टर के हाथ में रहेगा, कलेक्टर कितना ज्ञाता है, उसने आईएएस के अंदर उसका एंथ्रोपोलॉजी विषय था, उसका हिस्ट्री विषय था, क्या था हमें नहीं मालूम, उसका ट्रैक ऑफ द रिकॉर्ड क्या है कि उसने कितना अध्ययन करा है धर्म का। हमारे सनातन धर्म की ज्ञाता जो होंगे उन्हीं के हाथ में आप देंगे व्यवस्था तभी एक्सपर्टाइज होगा। आपने बात करी थी अलिया जी अहर्ता, एलिजिबिलिटी इज द टॉप मोस्ट थिंग इन एनी ऑफ द टास्क, किसी भी कार्य के अंदर उसकी अहर्ता तो आप निश्चित करिए। आप अर्हता के बिना किसी भी व्यक्ति को आप जिसके पास डिग्री है उसे शिक्षा मंत्री बना देंगे, देश की शिक्षा व्यवस्था क्या नहीं क्या? लेकिन क्या लगता है महामंडलेश्वर जी, डर क्या है सरकारों को चाहे किसी की भी सरकार हो कि अगर जो मंदिर में अगर जो बैठने वाले संत है अगर प्रबंधन वो संभालेंगे तो वो ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, सरकार से ऊपर हो जाएंगे, क्या ये डर है और इसीलिए ये व्यवस्था नहीं की जा रही है? धर्म सदैव राजनीति से ऊपर रहा है, धर्म के हाथ में ही संज्ञान है, उसी के हाथ में धर्म दंड है। सत्ताधीशों को राजनीतिज्ञों को समझना होगा कि यदि वे गलत मार्ग पर चलते हैं तो संत साधु ही उनको सही मार्ग पर लाएंगे, उन्हें दंड देंगे, दंड दिखाएंगे, उन्हें मार्ग दिखाएंगे। ये स्पष्ट है, यदि हमारे हाथ में व्यवस्था देते आपके हाथ में रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा है उनके ऊपर ध्यान दीजिए। आप कहीं पर भी मंदिरों के ऊपर या धर्म स्थलों के ऊपर उन धर्माधीशों के ऊपर बात छोड़िए जो उस विषय के ज्ञाता है, उस विषय के साधक रहे। हमने किसी कुर्सी प्राप्ति के लिए नहीं अपना ये चोला अपनाया है, हमने किसी भी प्रकार के धन व्यवस्था के लिए संन्यास नहीं लिया है, हमने किसी चुनाव में टिकट के लिए संन्यास नहीं लिया है, हमने संन्यास लिया है इस राष्ट्र के धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा में खुद धर्म ही करता है। जयप्रकाश जी, लेकिन यहाँ पर सवाल सीधा प्रधानमंत्री पर क्यों? पिछली सरकार में हुआ जो नायडू सरकार है वो तो इस बात को प्रकाश में लेकर आई, सरकार कह रही है केंद्र की कि हम तो पूरी जांच करवाएंगे, ये महापाप हुआ कैसे? देखिए मैं कहना चाहता हूँ आज देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, सभी हिंदू है, उसके बावजूद भी अगर ऐसी दुर्घटनाएं हो रही है तो उसके लिए जवाबदेही कौन?
अगर ये कार्य किसी जिसके शासनकाल में हुआ वो जवाब देगा ना जयप्रकाश जी। मुस्लिम जी जी मुस्लिम हमारा अगर ये कोई कार्य अगर यहाँ भी अगर कोई मुस्लिम भाई अगर हो जाता तो देश में सन्नाटा छा जाता। आप समझिए और समझना पड़ेगा। आपको पता होगा जब अक्षरधाम दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर बना था उसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और राष्ट्रपति हमारे अब्दुल कलाम आजाद जी थे, तब भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। आपको पता होना चाहिए। आज ये देश की आस्था पर चोट है और देश को मैं कहना चाहता हूं जो हमारे महामंडलेश्वर जी ने जो काम है उनकी बात से बिल्कुल बिल्कुल मैं उनकी बातों का सम्मान करता हूं और उन्होंने बिल्कुल सही बोला। देश में इतने मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे हैं, मगर ये धर्म की बात भी देश में क्यों की जाती है। और उसके बाद आज देखिए सबसे बड़ा मुद्दा अभी दलित समाज के ऊपर नवादा में बिहार में 80 घर जला दिए जाते हैं, उस पर डिबेट क्यों नहीं होती, मैं पूछना चाहता हूँ। और रही बात ये जो तिरुपति बालाजी में जो ये हुई है घटना, जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब ले लेते हैं। जयप्रकाश जी ठीक है, दुर्गेश जी देखिए अपर्णा जी, आज जनता आज देश की जनता के साथ जो ये कुठाराघात हुआ है उस पर बात कर रहे हैं, ये इधर उधर की बातें कर उस चीज को भटकाने का प्रयास। अरे आप में कब से कांग्रेस में कब से आस्था हो गई, जिसने हमेशा ही सनातन को बदनाम करने का काम किया, सनातन के खिलाफ खड़े रहने का काम किया, आज हमें यहाँ पे बैठकर ध्यान देने का काम कर रहे हो। हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, नहीं देश को आपके आपकी तरफ से वो बात करनी। आप से भटक कर देखिए दो 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 चीजें पूरी बातचीत में आज हमने जो की उसकी दो बातचीत सामने आ रही है। एक तो ये कि मिलावट हुई है और मिलावट की जांच होनी चाहिए और इस तरह से जांच होनी चाहिए कि कहीं किसी और मंदिर में इस तरह की गतिविधियां ना हो। स्पष्ट रूप से सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि सामने आ सके कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और दूसरा जो मंदिर का प्रबंधन की बात है उसका मुद्दा भी उठना चाहिए। हर मंदिर के प्रसाद की जांच होनी चाहिए जी, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये है मैडम कि आज मथुरा में बांके बिहारी जी का मंदिर है, हाँ। वहां पर जो संचालन व्यवस्था है वो पैतृक व्यवस्था। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आप सभी का एमपी की महाडिबेट में समय लेने के लिए। और सवाल यहीं पर ये है कि कब तक जांच की जो रिपोर्ट है सामने आती है, सच सभी को जानना है। एमपी की महाडिबेट में इतना ही।